हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन आज हम पढ़ने वाले हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में साथ ही उसके आइसोटोनिसिटी को किस किस मेथड से मेजर किया जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और हम स्टार्ट करेंगे अपने बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन से बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सोल्यूशन विच मेंटेन्स दी आइसोटोनिसिटी एंड पी एच एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड ऐसे सॉल्यूशन जिनको हम हाँ अपने बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड या लेक्रायमल फ्लूइड जो होते हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर और उनके पीएच से मेंटेन करने के लिए जिन सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है उसको बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है इट शुड बी कंपेटेबल विथ बॉडी फ्लूड बिकॉज जो हमारे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये हमारे बॉडी के लेक्राइमल फ्लूड से या फिर ब्लड uh, से क्या होना चाहिए आइसोटोनिक होना चाहिए यानी उसके पीएच से मैच होना चाहिए क्यों इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें से पहला कारण है ब्लड एंड लेक्राइमल फ्लूइड्स आर इन वीवो बफर सिस्टम जो ब्लड होता है और लेक्राइमल फ्लूइड होता है ये हमारे बॉडी का इन वीवो बफर सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर एक बफर सिस्टम होता है उसी बफर सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं अपने ड्रग के सोल्यूशन को मैच करते हैं दूसरा रीज़न होता है इट शुड हैव समोसमोटिक प्रेशर एंड टोनिसिटी एज बॉडी फ्लूड अदरवाइज इट तो मे कॉज तो हिमोलेसिस टिश्यू इरीटेशन नेक्रोसिस एंड टिश्यू टॉक्सिसिटी एक्सेट्रा अगर हम किसी भी सॉल्यूशन uh, को ड्रग सॉल्यूशन को हम बिना पीएच मेंटेन किए या बिना उसकी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन किए अगर हम इनटेक कर लें खा लें या फिर हम इंजेक्शन में आ, ले लें तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो टिश्यू है हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं सेल्स हैं उनका डेथ हो जाएगा सेल नेक्रोसिस हो सकता है टिश्यू इरिटेशन हो सकता है टिश्यू टॉक्सिसिटी हो सकता है इस तरीके के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसके वजह से किसी भी पेशेंट का डेथ भी हो सकता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर का जो बफर सिस्टम है उसको हम लोग अपने फॉर्मूलेशन के बफर सिस्टम से मैच करके बनाते हैं उसके पीएच को उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मैच करके बनाते हैं जिससे कि जब हम उस ड्रग सॉल्यूशन को इंटेक करें चाहे हम इंजेक्शन से करें या ओरली करें वो हमारे बॉडी के पीएच को किसी भी तरीके से चेंज ना करें और हमारे जो सेल्स हैं टिश्यूज हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो तो ये रीजन होता है बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने का चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं कितने टाइप का बफर का आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है सबसे पहला इसका है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन पहला आपका सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन दो सोल्यूशन विच प्रोड्यूस द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ सेल कंटेंट विदाउट नेट गेन और लॉस ऑफ बोथ सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जो कि आपके बॉडी के पी के आइसोटोनिक होते हैं यानी कि आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के हों और सेम पीएच के हों ठीक है तो जब भी आपका कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपके बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके पीएच से सिमिलर हो ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है 0.9 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन सेलाइन का मतलब होता है एन एस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को ही सेलाइन सोल्यूशन कहा जाता है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का पहला एग्जांपल होता है 0.9 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का एन का सॉल्यूशन यानी कि नॉर्मल सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्योंकि जो ब्लड होता है और जो लेक्रेमल फ्लूइड होता है वो सॉल्टी नेचर का होता है जो हमारा आंसू होता है उसमें भी सॉल्ट पाया जाता है जो ब्लड होता है उसमें भी सोडियम पाया जाता है तो ये सॉल्टी नेचर का होता है इसीलिए हमको जब ऐसा सोल्यूशन बनाए जिसमें जीरो पॉइंट का सॉल्यूशन हो तो वो हमारे बॉडी के लेक्रेमल फ्लूड के सिमिलर रहेगा दूसरा है इसका फाइव परसेंट वेट बाई वॉल्यूम डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन फाइव परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का जो डेस्ट्रोज सोल्यूशन है वो भी हमारे बॉडी के पी के अकॉर्डिंग होता है जैसे कि अगर हम कभी चक्कर खा के गिर जाते हैं या कभी हमें वीकनेस लगता है तो हम लोग क्या करते हैं इंजेक्शन डेक्स्ट्रोस लेते हैं डेस्ट्रोज यानी कि वो ग्लूकोज पीते हैं या फिर वो हम जो ड्रिप्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है डेक्स्ट्रोज होता है मिली ग्लूकोज होता है उससे क्या होता है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है तो हम हाँ वो जो सॉल्यूशन इंटेक कर रहे हैं इंजेक्शन से अपनी बॉडी में तो उसका जो पीएच है वो भी हमारे बॉडी के बफर सिस्टम से सिमिलर होना चाहिए तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कितने परसेंट का होता है फाइव परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का डेक्सप्रो सोल्यूशन होता है थर्ड एग्जाम्पल है इसका टू पॉइंट फाइव परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बोरिक एसिड सोल्यूशन जो बोरिक एसिड है उससे भी आइसोटोनिक सोल्यूशन को मेनटेन किया जाता है और इसका जो रेंज होता है वो आपका होता है टू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का बोरिक एसिड का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं ठीक है दिस प्रिपरेशन डू नॉट कॉज स्वेलिंग श्रिंकिंग ऑफ सेल वेन अप्लाइड ये जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि ये हमारे बॉडी के बफर सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं उसके सिमिलर होते हैं इसीलिए जब हम इसको लेते हैं अपनी बॉडी में चाहे हम इंजेक्शन से लें या ओरली लें ये हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उसमें किसी भी तरीके का स्वेलिंग नहीं होगा या श्रिंकिंग नहीं होगा जिससे कि हमारा जो सेल है वो हेल्दी रहेगा और हमें हम जो भी सोल्यूशन ले रहे हैं उसका हमें फ़ायदा मिलेगा नो डिस्कम्फर्ट इन आइस नेसल ट्रैक्ट और इंजेक्शन इसमें किसी भी तरीके का हमें डिस्कम्फर्ट नहीं होगा चाहे हम इंजेक्शन से लगाएंगे तो भी हमें ज्यादा दर्द नहीं होगा और इंजेक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो किसी भी तरीके का हमारे सेल को नुकसान नहीं होगा इसके अलावा आइस में अगर हम डालते हैं कोई भी आई ड्रॉप अगर हम बनाते हैं आइसोटोनिक -तो सोल्यूशन का यानी कि मान लीजिए जीरो पॉइंट नाइन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का ये वाले सोल्यूशन को मान लीजिए हम यूज़ करते हैं अपने आई ड्रॉप्स में तब क्या होगा हम जब उस सोल्यूशन को आंख में डालेंगे तो वो हमारे लेक्राइमल फ्लूड के पी एच के अकॉर्डिंग होता है उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यानी जो एन का कंसंट्रेशन है उसके सिमिलर होता है तो वो हमारे आंख में किसी भी तरीके का इरिटेशन कॉज नहीं करेगा करे हम तो हमारा सॉल्यूशन आइसोटोनिक रहेगा तो वो हमारे नेसल में भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करेगा किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट कॉज नहीं करेगा साथ ही इंजेक्शन में भी जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो ईजिली चले जाएगा और हमें नुकसान नहीं होगा इसका सेकंड सॉल्यूशन होता है सेकंड टाइप होता है आपके बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपर यानी कि ज्यादा जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूट यानी कि एन एस एसिड या फिर डेक्सट्रोस ये जो सॉल्यूट्स हैं जब इनका अमाउंट ज़्यादा हो किसी भी सोल्यूशन में तो उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है इसी में वही लिखा हुआ है सोल्यूशन कंटेनिंग द सोल्यूट इन हायर कंसेंट्रेशन देन दैट रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जब सॉल्यूट्स की मात्रा किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा हो हाइपर हो उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका 2 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम नॉर्मल सेलाइन अब देखिए 2 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का नॉर्मल सेलाइन यानी कि एन है ये ठीक है तो यहाँ क्या हो रहा है टू वेट बाई वॉल्यूम का नॉर्मल सेलाइन यूज़ हो रहा है अब देखिए आइसोटोनिक में क्या हो रहा था जीरो हो रहा था जीरो पॉइंट नाइन और इसमें क्या है टू तो टू बड़ा वैल्यू है देखो कितना ज़्यादा वैल्यू है इसमें कितना डिफरेंस है कितना हाइपर नेचर का ही है ये इसीलिए इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है आइसोटोनिक का कितना था 0.9 पॉइंट नाइन परसेंट एनएसएल था तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा हाइपर का वो आइसोटोनिक के मुकाबले क्या होगा काफी ज्यादा होगा इसीलिए इसको हाइपरटोनिक बोला जा रहा है सेकंड इसका एग्जांपल है 10 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम डेक्स्ट्रोस सोल्यूशन अब आप यहाँ पर भी देख लीजिए डेक्स्ट्रोस का आइसोटोनिक में कितना था फाइव था सिर्फ और इसमें कितना है टेन है जस्ट डबल है इसका तो इसमें भी क्या है ये भी आपका डक्स्ट्रोस सोल्यूशन क्या है इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन है थ्री परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बोरिक एसिड सोल्यूशन इसमें जो बोरिक एसिड था आइसोटोनिक में वो कितना था टू था लेकिन इसमें कितना है थ्री है एक परसेंट आपका ज्यादा है बोरिक एसिड सोल्यूशन इसीलिए ये क्या कर रहा है एज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन काम कर रहा है कॉज श्रिंकिंग ऑफ ब्लड सेल जब हम सोल्यूशन इंजेक्ट कर ले अपनी बॉडी में तब हमारे जो ब्लड सेल है वो श्रिंक हो जाएंगे यानी कि सिकुड़ जाएंगे जैसे कि मान लीजिए ये हमने किसका सॉल्यूशन बनाया हाइपरटोनिक ये हमारा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये हमारा ठीक है इसमें हमने कोई भी ब्लड सेल लिया हुआ है अंदर में हमारे क्या है एक ब्लड सेल है तो ये जो ब्लड सेल का जितना इसके अंदर का कंटेंट है ठीक है वो क्या है कम है और इसके बाहर का जो कंसंट्रेशन है एनएससीएल का या डेक्सट्रोस का वो ज्यादा है जो सेल के अंदर का कंटेंट है उसका कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है यहाँ पर और क्या हो रहा है जो बाहर का कंसंट्रेशन है बाहर के एटमॉस्फेयर का उसका कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है जो ब्लड सेल का कंटेंट है वो बाहर आने की कोशिश करता है ऑस्मोसिस आप लोग पढ़े होंगे ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न ये उसी तरीके का काम करता है जब सेल के बाहर का कंसनट्रेशन हाइपर हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो बाहर आने का कोशिश करता है सेल मेबरी से परमिएट होकर किस में आ जाता है बाहर के सोल्यूशन में आ जाता है इस कंडीशन में क्या होता है आपका जो सेल है उसका क्या वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा जैसे ये अगर आपका सेल अभी इस कंडीशन में है तो वो श्रिंक हो जाएगा यानी कि वो इस तरीके से सिकुड़ जाएगा उसमें रिंकल्स आ जाएंगे रिंकल्स यानी कि झुर्रियां जैसे होती है उस तरीके की इसमें रिंकल्स आ जाएंगे और जो आपका ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा तो ये होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी का जो ब्लड सेल है उसका कंटेंट बाहर आने लगेगा क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है हाइपर है तो वो उसको क्या करेगा मेंटेन करने के लिए उसका जो कंटेंट है वो बाहर आएगा तो इसमें क्या होगा आपका जो ब्लड सेल है वो सिकुड़ जाता है और सेल का डेथ हो जाता है वहीं आपका तीसरा सोल्यूशन है हाइपोटॉनिक सोल्यूशन हाइपो हाइपो का मतलब होता है कम अब इसमें क्या होगा आपका जो सॉल्यूट का कंसनट्रेशन है वो कम होगा इन कंपैरिजन विद आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना कंसंट्रेशन सॉल्यूट का होता है उसके कंपैरिजन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा जैसे कि यही चीज इसमें लिखा हुआ है आप एग्जांपल में देखिए 0.2 परसेंट वेट बाय वॉल्यूम नॉर्मल सेलाइन यहां पर नॉर्मल सेलाइन का क्या मतलब है एनएससीएल अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है मेनली आपका यहां पर क्या हो रहा है इसमें जो कंसेंट्रेशन है जीरो पॉइंट नाइन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एन एस सी एल ये जीरो पॉइंट नाइन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम एनएससील है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन का वैल्यू है तो इसका जो कंसेंट्रेशन है वो कम है ये जीरो पॉइंट टू है और आइसोटोनिक में कितना होता है जीरो पॉइंट वन होता है तो इसका जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है कम है आइसोटोनिक की इसी वजह से इसको हाइपोटोनिक सोलूशन कहा जा रहा है साथ ही इसमें देखिए आप थ्री परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का डेक्स्ट्रो सोल्यूशन यूज हो रहा है जो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन था उसमें फाइव परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का डेक्स्ट्रोज यूज हो रहा था और इसमें आपका थ्री परसेंट का डक्स्ट्रोज यूज हो रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका वन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बोरिक एसिड सोल्यूशन आइसोटोनिक में क्या हो रहा था टू परसेंट का यूज हो रहा था और हाइपो में क्या हो रहा है वन परसेंट का यूज हो रहा है यानी कि जस्ट उससे एक परसेंट कम तो इसीलिए इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है इस केस में क्या होता है इन दिस प्रिपरेशन सेल विल स्वेल एंड फाइनली बर्स्ट विद द लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जिसको हीमोलाइसिस भी कहा जाता है जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन इंजेक्ट कर लें तब हमारे बॉडी सेल्स के साथ क्या होगा जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएगा जो बाहर का सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो हमने इंजेक्ट किया उसको क्या करेगा वो अंदर लेने की कोशिश करेगा और वो जो सेल है वो फूल जाएगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो फूलते फूलते क्या हो जाएगा फट जाएगा और उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन होता है सेल के अंदर का वो क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा बाहर में इससे क्या हो जाएगा उस सेल का डेथ हो जाएगा जैसे कि किशमिश अगर मैं किशमिश का एग्जाम्पल लूँ तो आप क्या करोगे अगर एक किशमिश को अगर आप पानी में डाल के रखोगे तब क्या होगा वो जो किसमिस है वो क्या करेगा उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा फूल जाएगा अगले दिन वो आपको फूला हुआ दिखेगा फूला हुआ क्या वो कई बार ऐसे उसमें क्रैकिंग भी आ जाएगा फट जाएगा वो किसमिस तो क्या होता है जो वाटर का कंसनट्रेशन है वाटर क्या है वाटर में किसी भी तरीके का हमने कोई भी नमक या शक्कर नहीं मिलाया है लेकिन जो किशमिश होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ शुगर कंटेंट पाया जाता है अब हमने वाटर में जब किशमिश को डाला तब क्या हुआ मान लीजिए ये किशमिश है और ये वाटर है जब हमने वाटर में किशमिश को डाला तो क्या हुआ वाटर का जो कंटेंट uh, है वो किसमें जाएगा अंदर जाएगा किशमिश के उसका जो है उससे क्या करेगा बाईपास होकर वो कहाँ जाएगा किशमिश के अंदर जाएगा और धीरे धीरे वो किशमिश फूलने लगेगा फूलते फूलते क्या होगा एक ऐसा कंडीशन आएगा जब वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्व कर लेगा जो किशमिश के अंदर का कंसनट्रेशन है और जो बाहर सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन है जब वो दोनों सिमिलर हो जाएगा उस केस में क्या होगा जो किशमिश है वो फट जाएगा और उसके अंदर का जो कंटेंट है वो उस वाटर में रिलीज हो जाएगा जब हम ब्लड सेल्स को किसी भी हाइपोटोनिक सोल्यूसन में रखें तब क्या होगा ये जो सेल है वो यहाँ का जो कंटेंट है सोल्यूशन का उसको अंदर एब्जॉर्ब करेगा इसका जो कंटेंट है वो कहाँ जाएगा अंदर की तरफ जाएगा और जो सेल है वो फूलने लगेगा बहुत बड़ा हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि जब वो सेल फट जाएगा फटते ही क्या होगा उसके अंदर का जो आर है वो रिलीज हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी इसमें क्या हो रहा था स्ट्रिंकिंग हो रहा था इसमें जो सेल के अंदर का कंटेंट है जो ये ब्लड सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो कहाँ आ रहा था बाहर आ रहा था आपके सॉल्यूशन के कहाँ आ रहा था बाहर तरफ आ रहा था इसीलिए वो क्या हो जा रहा था श्रिंक हो जा रहा था इसमें क्या हो रहा है वो अंदर एब्जॉर्व कर रहा है इसीलिए वो क्या हो रहा है स्वेल हो रहा है तो आप याद रखेंगे हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है सेल का श्रिंकिंग होता है और हाइपो के केस में क्या होता है सेल का स्वेलिंग होता है ठीक है और इसी प्रोसेस को जो स्वेलिंग है आपका सेल का सेल का स्वेलिंग और बस्टिंग इसी केस को बोला जाता है हिमोलाइसिस हिमोलाइसिस का मतलब होता है जो ब्लड सेल है वो क्या हुआ वो फूला और फट गया और उससे क्या हुआ जो आपके हीमोग्लोबिन्स थे वो बाहर रिलीज हो गए ठीक है इसी को बोला जाता है हीमोलाइसिस अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी क्या होता है यानी कि जो आइसोटोनिसिटी है किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी ड्रग सॉल्यूशन अगर हमने बनाया है उसकी हम आइसोटोनिसिटी को कैसे पता करेंगे कि वो हमारे बॉडी फ्लूड के सिमिलर है या नहीं अब तक आप समझ गए होंगे कि हमको अगर कोई भी सॉल्यूशन अपने बॉडी में इंटेक करना है या इंजेक्ट करना है तब हम क्या कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहे हैं अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो अगर हाइपर रह गया तो हमारा जो ब्लड सेल है वो फूल के फट जाएगा और अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपर रह गया तब हमारा क्या होगा सेल सिकुड़ जाएगा और उसका डेथ हो जाएगा दोनों केस में क्या हो रहा है सेल का डेथ हो रहा है कुल मिला के हम जो भी सोल्यूशन बनाए जो भी ड्रग का फॉर्मुलेशन बनाए तो इसका मतलब क्या है तो कुल मिला के हमें यहाँ पर क्या करना है हम कोई सा भी अगर ड्रग का सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसको हमें बॉडी में लेना है तो ऐसा सॉल्यूशन हमको क्या बनाना है आइसोटोनिक बनाना है आइसोटोनिक यानी कि वो हमारे बॉडी फ्लूड के सिमिलर होगा तो कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारा हमने जो ड्रग सोल्यूशन बनाया है वो आइसोटोनिक है या नहीं इसी को बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी टोनिसिटी का मतलब होता है आइसोटोनिसिटी इसी को आइसोटोनिसिटी भी कहा जाता है ठीक है तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आइसोटोनिसिटी वैल्यू इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन सी एल हैविंग सम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एज पर दी सोल्यूशन इन ब्लड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या क्या प्रॉपर्टी आता है पी एच आता है ऑस्मोटिक प्रेशर आता है ठीक है तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है तो आइसोटोनिक वैल्यू क्या होता है ये कॉन्सेंट्रेशन होता है एन का जो, हमारे थिर थिर प्रेण 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 तो जो कि हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर पी एच के सिमिलर हो जो वैल्यू होता है उसी को बोला जाता है आइसोटोनिसिटी वैल्यू अब इस वैल्यू को कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं इसको मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं तो मेनली इसके दो तरीके होते हैं पहला तरीका है आपका हीमोलाइटिक मैथड हीमोलाइटिक मेथड हीमो आप नाम से पता कर सकते हैं हीम वर्ड जहां भी आ रहा है यानी कि इसमें आरबीसी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं इस मेथड में लाइटिक का मतलब होता है टूटना लाइसिस का मतलब होता है टूटना तो इसमें हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे जो ब्लड सेल का लाइसिस हो रहा है यानी कि जो ब्लड सेल हमारा टूट रहा है फट रहा है उसी का हम लोग क्या करेंगे मेजरमेंट लेंगे तो हिमोलाइसिस मेथड में हम मिलने क्या करते हैं आर सस्पेंडेड इन वेरियस ड्रग सोलूशन एंड स्वेलिंग ऑफ आरबीसी दरबीसी श्रिंकिंग एंड रिंकलिंग इज ऑब्जर्व इसमें हम क्या करते हैं कोई सभी सबसे पहले ड्रग सोलूशन लेते हैं ये इसका है ठीक है हम क्या करेंगे सबसे पहले एक ड्रग का सॉल्यूशन लेंगे ये हमारा क्या है ड्रग सोलूशन अब इस ड्रग सोल्यूशन में हम लोग को क्या करना है आरबीसी डाल देना है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल इसमें हम लोग क्या डाल देंगे आरबीसी डाल देंगे ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपका आरबीसी ये मान लीजिए ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा आर बी सी जब हम अपना जो हमने जो ड्रग का सॉल्यूशन बनाया जब हम उसमें आरबीसी डालेंगे तो वो आरबीसी किस टाइप का कैरेक्टर शो कर रहा है उसको हमको ऑब्जर्व करना है अगर वो आरबीसी स्वेल हो रहा है इसका मतलब क्या है वो कौन सा सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि हाइपो में क्या होता है स्वेलिंग होता है और बस्टिंग होता है ठीक है तो अगर उसमें किसी भी तरीके का स्वेलिंग हो रहा है तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहला जाएगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहला जाएगा अगर ये आरबीसी श्रिंक होने लगे तो वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि हाइपरटोनिक का क्या प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड सेल को क्या कर देता है सिकुड़ देता है श्रिंकिंग कर देता है तो इसी को हमको देखना है कि हमारा जो आरबीसी है वो उस ड्रग सॉल्यूशन में किस तरीके का इफेक्ट शो कर रहा है अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो ड्रग सॉल्यूशन है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है आइदर वो हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है ठीक है अगर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आएगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है दो तरीके से इसमें कंडीशन आ सकता है पहला होगा आपका हाइपरटोनिक कंडीशन हाइपरटोनिक की कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका जो भी आरबीसी आपने डाला है वो उसमें किसी भी तरीके का श्रिंकिंग आ सकता है या रिंकल्स रिंकल आ, आ सकते हैं रिंकल यानी कि झुर्रियां आ सकती है उसमें ऐसे लाइन लाइन दिखेगा तो इसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन जब इस तरीके का कंडीशन आएगा तो हमको समझ लेना है कि हमने जो भी सोल्यून बनाया है वो क्या है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है नेक्स्ट है इसमें हाइपोटोनिक कंडीशन हाइपोटोनिक के कंडीशन में क्या होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल्स हिमोलाइज्ड इसका क्या मतलब है हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है स्वेलिंग होता है ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा हाइपोटोनिक में क्या होगा हमारा जो आरबीसी हमने जो डाला है वो क्या हो जाएगा स्वेल हो जाएगा स्वेल होते 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 एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वो बस्ट हो जाएगा यानी कि फट जाएगा जब आरबीसी फटता है तो उसके अंदर से ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीज होता है आपको पता होगा कि क्या होता है हमारा ये जो आरबीसी का सेल होता है इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी करता है आर जो होते हैं हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड सेल्स होते हैं इसी की वजह से हम जो सांस लेते हैं हम जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं वो हमारे ब्लड के हर एक सेल तक पहुँचता है तो ये जो आर है वो क्या कंटेन करता है ऑक्सीजन कंटेन करता है आर का प्रॉपर्टी ही होता है कि वो क्या करता है ऑक्सीजन कैरी करता है अब ये जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस आरबीसी के अंडर में तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपको पता होगा आर का एक दूसरा नाम होता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से मिलता है तो ये आपका क्या करता है जो आर के अंदर आयरन होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन आरबीसी का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन और को किस फॉर्म में कैरी करेगा वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैरी करेगा ये जो ब्लड सेल है हमने क्या किया इसमें ब्लड सेल को डाला है इस इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है ऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रेजेंट है अब ये क्या हो रहा है स्वेल हो रहा है धीरे धीरे तो एक कंडीशन आएगा जब वो फट जाएगा बस्ट हो जाएगा तो उसके इसमें क्या होगा ये जो ऑक्सी ऑक्सीहीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट था वो इस सॉल्यूशन में आ जाएगा क्योंकि आपका जो सेल है वो क्या हो गया बीच बीच से क्या हो गया फट गया है अब इस केस में क्या हो रहा है इसके अंदर का जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है वो कहाँ बाहर आ रहा है इसी सॉल्यूशन में बाहर आ जा रहा है तो वो उस वाटर में प्रेजेंट रहेगा या उस ड्रग के सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा अब जितना ज्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में रहेगा उतना ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि आर क्या हुआ है टूटा है या हीमोलाइज हुआ है इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है उतना ही ज़्यादा जो हमारा आरबीसी है वो क्या हुआ है बस्ट हुआ है या स्वेल हुआ है तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है अगर हम उसके कॉन्सेंट्रेशन को पता कर ले तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें कितना सेल हिमोलाइज हुआ यानी कि कितने सेल का स्वेल स्वेलिंग हुआ है और कितना सेल बस्ट हुआ है ठीक है तो इसी से हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है या नहीं इन दोनों केस के अलावा अगर आर में किसी भी तरीके का चेंजेस ना दिखे तो उसको बोला जाता है आइसोटोनिक कंडीशन ये सबसे बेस्ट कंडीशन होता है किसी भी ड्रग सॉल्यूशन को इंटेक करने के लिए अगर हमने ड्रग सॉल्यूशन में आर डाला है उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आ रहा है तो उस ड्रग ड्रग सोल्यूशन को हम इंटेक कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे ब्लड के पी के सिमिलर है ठीक है अब हम देखेंगे इसका सेकंड मैथड जो कि है क्रायोस्कोपिक मैथड या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैथड क्रायोस्कोपिक मैथड का दूसरा नाम होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैथड इस मैथड में क्या होता है ये मेथड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जीरो डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होगा जीरो डिग्री होता है जीरो डिग्री में जो वाटर है वो जम जाता है तो उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन सब्सटेंस सच एज एन आर एडेड टू वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस जब उसमें वाटर में हम एन एस सी एल मिलाए या कोई सॉल्ट मिलाए तो जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है कम होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा यानी कि पानी जल्दी जमने लगेगा जल्दी जमने लगेगा यानी कि वो थोड़ा सा आपके हायर साइड में आएगा जीरो से बढ़ जाएगा उसका वैल्यू जैसे जीरो पॉइंट फाइव हो गया या वन हो गया वन के कंडीशन में भी वो पानी जम सकता है जीरो पॉइंट फाइव के कंडीशन में भी वो पानी जम सकता है कब जब उसमें एन मिलाया जाए अगर एनएसएल नहीं मिलाया जाएगा प्योर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है जैसे ही उसमें एन ऐड किया जाता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है यानी कि पानी जल्दी जमने लगेगा अब इस केस में क्या होगा इन दिस मैथड द क्वांटिटी ऑफ ईच सब्स्टेंसेज इज रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यू इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस uh, का जो क्वांटिटी है किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए उसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे अ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ ब्लड हैज अ डेल्टा टी एफ ये जो डेल्टा टी एफ है ये आपका क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को किससे डिनोट किया जाता है डेल्टा टी एफ से डेल्टा मतलब कि चेंजेस जो चेंजेस आ रहे हैं चेंजेस इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मेरे डेल्टा किसका साइन होता है चेंजेस का तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है जो आपका ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि डेल्टा टी एफ है वो फिक्स है जीरो पॉइंट फाइव टू डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ब्लड का जो डेल्टा टी एफ वैल्यू है वो फिक्स होता है जीरो पॉइंट फाइव टू डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम चेक कर रहे हैं और उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर इतना निकला 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मतलब जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके सिमिलर है ब्लड के सिमिलर है अगर जीरो आ गया यानी कि वो किसके सिमिलर है वाटर के सिमिलर है लेकिन जब उसका जो डेल्टा uh, टी है वो अगर आपका जीरो डिग्री सेंटीग्रेड आया इसका मतलब कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके सिमिलर है ब्लड के सिमिलर है क्योंकि इसका वैल्यू एक आइडियल वैल्यू है ये एक क्या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि वो जो ड्रग है उसका जो डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे ब्लड के सिमिलर है तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशन ले सकते हैं और उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं कि आइदर वो हमारे ब्लड के सिमिलर है या नहीं है इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमने जो भी ड्रग सॉल्यूशन लिया है वो हमारे ब्लड के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है देयर फॉर द डेल्टा टी एफ वैल्यू ऑफ ड्रग सॉल्यूशन मस्ट बी एडजस्टेड टू दिस वैल्यू ये हम फिक्स रेट है इसका इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी सॉल्यूशन बनाएं उसे हम इस वैल्यू में एडजस्ट करके रखें क्योंकि ये हमारे ब्लड का वैल्यू है जो कि फिक्स है ठीक है तो हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका डेल्टा टी का वैल्यू आए तो ये है दो मेथड जिससे हम आइसोटोनिसिटी को मेजर कर सकते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो